हे गाइस, वन सेकंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई लव डिजाइन। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार और आज मैं आप लोग के लिए कोरल ड्रॉ की टिप्स एंड ट्रिक्स की सुपर इजी क्लास लेके आया हूं। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं टेक्स्ट मास्किंग इफेक्ट के बारे में कि टेक्स्ट मास्किंग इफेक्ट क्या होता है। टेक्स्ट मास्किंग इफेक्ट ज्यादातर हम लोगों ने देखा हुआ किसी मूवी पोस्टर वगैरह में, टेक्स्ट मास्किंग वाले डिजाइन हम लोग को जो है देखने को मिलते हैं। तो टेक्स्ट मास्किंग हम फोटोशॉप के अंदर भी यूज करते हैं, इलस्ट्रेटर के अंदर भी यूज करते हैं। तो हम अभी कोरल सीख रहे हैं तो क्यों ना हम कभी कोरल के ऊपर ही बात करें कि कोरल में हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो टेक्स्ट मास्किंग इफेक्ट क्या है, इसको कैसे हम इसके हेल्प से जो है अपना एक ब्यूटीफुल सा जो है पोस्टर डिजाइन करेंगे, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोग से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल आई लव डिजाइन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यहां इस बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप लोग तक जरूर पहुंच सके। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम कोरल ड्रॉ पे आ गए हैं। तो आपने कहीं ना कहीं इस तरह का पोस्टर जरूर देखा होगा, चाहे वो कभी आप घूमने गए हो या फिर कहीं आपने मूवी पोस्टर देखा होगा, तो इस तरह का इफेक्ट आपने देखा होगा उस पोस्टर के अंदर। तो इसको ही बोलते हैं टेक्स्ट मास्किंग इफेक्ट। तो ये इफेक्ट हम कैसे बनाएंगे कोरल ड्रॉ के अंदर, बहुत इजी है और बहुत सिंपल है। आप लोग को बस ध्यान से देखना है और मेरे स्टेप को फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले इनको करता हूँ सिलेक्ट और इनको करता हूँ यहाँ से डिलीट। एंड यहाँ मैंने एक साइज ले रखा है 1280 पिक्सल बाय 720 पिक्सल। तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे सेम इसी साइज का। तो यहां से पहले मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले रहा हूं और यहां पे वो साइज दे दूंगा जो मैंने अपनी आर्टबोर्ड पे दे रखा है। तो 1280 पिक्सल और टैब के साथ मैं नीचे स्विच करूंगा 720 और एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा पेज का जो साइज था, जो मेरे आर्टबोर्ड का साइज था, उसी का साइज का मैंने रेक्टेंगल जो है क्रिएट कर लिया है। अब इस रेक्टेंगल को अपने पेज के साइज के अकॉर्डिंग फिट करने के लिए मैं पी प्रेस करूंगा तो मेरे पेज के सेंटर में ये आ जाएगा। तो अब चलिए हम अपनी इमेज को जो है इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहां से इंपोर्ट करूंगा और मैंने ये इमेज यहां डाउनलोड करके रखी हुई है। इस इमेज को हम ले लेते हैं और यहां पे मैं इसको इस तरीके से इसके टॉप से इसको बॉटम तक मिलाऊंगा यहां तक और लागे छोड़ दूंगा ड्रैग करके। तो ये मेरा इमेज यहां पे आ चुका है। तो अभी इमेज का साइज कुछ और है और हमारे आर्टबोर्ड का साइज कुछ और है। तो आप देख सकते हैं कि इसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जो है व्हाइट स्पेस शो हो रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए आप अपनी पिछली वाली लेयर पे क्लिक करें और इस पे ब्लैक कलर फिल कर दें। तो अब आपका व्हाइट स्पेस खत्म हो गया है। व्हाइट स्पेस खत्म करने के बाद क्या करना है आपको, सिंपल दो स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको यहां से लेना है नाइफ टूल, नाइफ टूल पे आपको क्लिक करना है और इसका सेंटर आपको जरूर ध्यान रखना है, जो इस इमेज का जो सेंटर पॉइंट है आपको उस पर रहते हुए टॉप से लेना है स्ट्रेट लाइन और पेज के सेंटर से आपको इस इमेज को जो है काट देना है। इमेज कट करने के बाद आपको एक बार बाहर क्लिक करना है, फिर इमेज पे आपको आना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपका इमेज जो है कट हो लग चुका है, दोनों इमेज अलग अलग हो गई है। मैं आपको दिखा देता हूं, मैं इसको बाहर करूंगा तो मेरी दोनों इमेज अलग हो चुकी है। मैं इसको वापस दोनों के करीब ले आता हूं तो मैं कंट्रोल जेड करके अंडो कर रहा हूं। अभी मेरी दोनों इमेज में जो है कट लग चुका है। अब यहां से हम क्या करेंगे, अपना टेक्स्ट हम लिख लेते हैं। तो टेक्स्ट लिखने के लिए मैं टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करूंगा और यहां साइड में कहीं लिखता हूं, यहां पे क्लिक करके यहां लिखूंगा दिस इज टेक्स्ट मास्क इफेक्ट। लिखने के बाद क्या करना है, इसको पहले मैं व्हाइट कलर कर दूंगा इस तरीके से और इसको उठा के मैं इसके नजदीक लेके आऊंगा लगभग इतना और यहां से इसका फॉन्ट जो मैं चेंज करके यहां से इम्पैक्ट फॉन्ट ले लेता हूं। इम्पैक्ट फॉन्ट लेने के बाद क्या करूंगा, मैं सबसे पहले मुझे इसके बीच के स्पेस को जो है खत्म करना है। आप देख सकते हैं जो लाइन स्पेस है, लाइन हाइट का जो स्पेस खत्म करना है। खत्म करने के लिए मैं यहां से शेप टूल लूंगा, शेप टूल पर क्लिक करूंगा और इसको मैं यहां से ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा और इसके जो है स्पेस को इस तरीके से खत्म करूंगा। स्पेस खत्म करने के बाद अब मैं इसको अपने इमेज के साइज के अकॉर्डिंग इसको फिट करूंगा, जितना मेरा इमेज है। फिट करने के बाद इसको मैं पूरा एडजस्ट कर लूंगा। एंड इसके बाद क्या करना है आपको, क्या करना है इसके बाद आपको अपनी पीछे वाली लेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपको आना है यहाँ पे पावर क्लिप इन साइड पे, इस पर क्लिक करोगे एंड आपको टेक्स्ट के बीच में क्लिक करना है
आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका इमेज उसके अंदर आपका मास्क हो गया है। एंड अभी आप देखेंगे कि अभी आपको वो इफेक्ट इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करना है, इसकी आउटलाइन को जो है खत्म करना है। आउटलाइन खत्म करने के लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट के साथ इस नन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, डन, आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा जो हमारा पोस्टर हमारे मास्किंग इफेक्ट के साथ जो है क्रिएट हो गया है। और ये इफेक्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, आप किसी भी डिजाइन में देखेंगे, टाइपोग्राफी हो या कोई पोस्टर बनाना हो, तो उस जगह पे इस टेक्स्ट मास्किंग का जो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी, बहुत ही कम समय में आपने ये इफेक्ट अच्छे से सीख लिया और आप लोग को समझ में भी आ गई है। तो अगर आप लोग को आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें जितना हो सके। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।